सुप्रभात, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 16 मई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड की रोकथाम के लिए गांव गांव जागरूकता अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेवा बस्तियों में लोगों को किया जागरूक। गांव गांव रवाना हुए विश्वामित्र आरोग्य रथ। सिमरी के सीओ को लोगों ने बनाया बंधक। नवानगर इलाके में दो जगह गोलीबारी। शहर में तीन जगह सामुदायिक किचन शुरू। दूसरे डोज के लिए परेशान हैं उम्रदराज लोग। कोविड की ताजा रिपोर्ट, 53 संक्रमित, 104 हुए ठीक। यह थी आज की प्रमुख सुर्खियां। हमारी खबर के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। कोविड का संक्रमण गांव की तरफ फैल चला है, इस बात का ढिढोरा मीडिया पीट रही है और लोग भी। लेकिन इससे जागरूक करने के लिए जिस अभियान की आवश्यकता है उसकी पहल नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी अमन समीर ने इसको ध्यान में रखते हुए 16 से 19 मई तक सभी पंचायतों में जागरूकता अभियान की शुरुआत कराई है। इस दौरान सैनिटाइजेशन, लोगों को जागरूक करने, मास्क वितरण कराने संबंधी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रखंडवार अधिकारियों की तैनाती भी की है, जो हर पंचायत में जाएंगे और प्रशासन द्वारा की जा रही गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। इस व्यवस्था का लाभ कितना मिलता है यह आने वाला समय बताएगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीते शनिवार को शहर की सेवा बस्तियों, जिसे हम दलित बस्ती कहते हैं, दलित बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को वर्तमान कोविड के बारे में बताया और टीकाकरण के लिए जागरूक किया। यह वैसा इलाका है जहां के लोग इन सब बातों से, या कहें तो ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने से अनभिज्ञ हैं। इन सभी को सेवा भारती द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक काढ़े का पैकेट भी प्रदान किया गया। सामाजिक प्रयास की इसी कड़ी के तहत स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे द्वारा भी कुछ एम्बुलेंस गाड़ियों को विश्वामित्र आरोग्य रथ, चलंत रथ के रूप में शनिवार को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम होगी जो स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों के शुगर, बीपी वगैरह आदि की जाँच किया करेगी। आवश्यकता अनुसार छोटी मोटी बीमारियों से जुड़ी दवाएँ भी दी जाएंगी। वहीं आज रविवार को अपराह्न 11 बजे सबसे चौंका देने वाली खबर आई। ग्रामीणों ने सिमरी के सीओ अनिल कुमार को बंधक बना लिया। पुलिस को उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ा। जाने के बाद पता चला वे बड़का गांव सबलपट्टी में एक रास्ते के विवाद का निपटारा करने गए थे। अभद्रता करने के दौरान एक युवती उनका वीडियो बना रही थी, जिसके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि उस मामले में उस युवती ने पुलिस में इनके खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं नवानगर थाना क्षेत्र के दो गांव में शनिवार की बीती रात घटनाएं हुई। बुढ़ैला गांव में ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों की बैटरी चोरी करने पहुंचे कुछ लोगों के साथ ग्रामीणों की भिड़ंत हो गई। मौके से पुलिस ने कारतूस के खोखे और 3 बाइकें बरामद की है। ऐसी ही दूसरी घटना नाच देखने के दौरान जयरामपुर गाँव में हुई। वहाँ जनरेटर की लाइट बंद कर लोगों ने धरौली गांव से बारात लेकर आए लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं आपको एक अच्छी खबर बता दें, सामुदायिक किचन जो शहर में एक जगह चला करता था, अब 3 जगह चला करेगा। रैन बसेरा के अलावा बुनियादी विद्यालय एवं कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज शिवपुरी। शहर के इन 3 हिस्सों में वैसे लोग जिनके पास खाने का कोई माध्यम नहीं है, वे यहाँ भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा डुमराव में एवं इटारी, नवानगर, केसठ आदि प्रखंडों में भी ऐसे सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी अमन समीर ने इसका जायजा लिया। इस अच्छी खबर के साथ एक तनाव देने वाली भी खबर है। वैसे लोग जिन्होंने 4 से 6 सप्ताह पहले कोविड के टीके लिए थे, वैसे लोग जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है,
उनका कहना है हमें हमारा दूसरा डोज लेने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक टीकाकरण का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। हालांकि जिले का प्रतिरक्षण विभाग इस मामले में पूरी तरह से, हम क्या कहें, आप बस इतना जान लीजिए कि जब भी संबंध में जानने के लिए वहाँ फ़ोन किया जाता है, प्रतिरक्षण पदाधिकारी का फ़ोन अक्सर बंद आता है। अब चलते चलते कोविड के आंकड़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं। रविवार की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 53 लोग संक्रमित मिले, 104 लोग ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा अब 106 पहुंच गया है। 719 लोग अभी भी एक्टिव मरीज के तौर पर हैं, जो कुछ अस्पताल में और कुछ सेल्फ आइसोलेशन में। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।